हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज की मेरे इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एनिमल किंगडम का नेक्स्ट पार्ट। दैट मींस ये पार्ट आपका थर्ड है और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे दो फाइलम। फोर्थ नंबर है फाइलम प्रेटीहेलमिंथ्स और फिफ्थ नंबर फाइलम है आपका एस्केलमिंथ्स। इन दो फाइलम्स को हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग का एनिमल किंगडम्स। मैं आपका दोस्त एनवायरमेंटर अब्दुल मन्नान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस। तो आज के लिए हम लोग का जो पहला फाइलम है वो है आपका प्लेटी हेलमेंट्स। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने तीन फाइलम को डिस्कस कर लिया है, फाइलम पोरिफेरा, फाइलम सिलेंटेटा एंड फाइलम टीनोफोरा। ठीक है, अब ये हमारा फोर्थ नंबर फाइलम है। ठीक है, ये हम एक्चुअली में हम लोगों का कौन सा है, ये हम लोग का फोर्थ नंबर फाइलम है और इस फाइलम का नाम है प्लेटी हेलमेंट्स। ठीक है बच्चों, तो पहले इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद इसमें कुछ स्पेशल चीजें जो होगी उनको देखा जाएगा इसमें। तो प्लेटी हेलमेंट्स जो है वो नाम जो है इसमें डिराइव हुआ है, इसका जो बॉडी होता है ऑन क्रॉस सेक्शंस कैसा दिखता है, डॉट शो वेंट्रली कैसा होता है, फ्लैट दिखता है तुम्हारा। तो फ्लैट मतलब लाइक रिवर लाइक होने की वजह से इसको हम लोग प्लेटी हेलमेट्स कहते हैं तुम्हारा इसमें। ठीक है ना, इस ग्रुप के जितने मेंबर हैं मोस्टली कैसे हो क्या होते हैं तुम्हारा, एंडो पैरासाइट होते हैं, और जो कि एनिमल्स ठीक है ना इंक्लूडिंग ह्यूमंस में ये एज ए एंडो पैरासाइट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, बाकी के अदर जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लेटी हेलमेंट्स का, जैसे कि तुम्हारा इसमें सिमिट्री कैसा होता है, बाइलेटरल सिमिट्रिकल्स होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है ना, सिलोम इसमें नहीं होता है, मतलब एसिलोमेट कंडीशंस होता है। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें अभी तक ऑर्गेन ही बना है, तो ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है बच्चों, ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक ही इसमें बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जैसे कि पहले ही बोला कि ये क्या होता है, इंडो पैरासाइट होता है, तो इनमें कुछ स्पेशल पैरासाइटिक एडोप्टेशन देखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो पैरासाइटिक एडोप्टेशन के फॉर्म में यहाँ पे हुक्स और सकर्स दे रखा है, हुक एंड सकर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अच्छा अदर अगर पैरासाइटिक्स एडोप्टेशंस की बात करें तो आपके 12th में इकोलॉजी चैप्टर में एक जगह पे दिया हुआ है पैरासाइटिक एडोप्टेशन, जो कि मैंने यहाँ पे रखा है लिख के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी देयर लाइफ साइकिल पैरासाइटिक हैव इवॉल्व द स्पेशल एडोप्टेशन सच। देखो क्या क्या होता है, तो यहाँ पे ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे इंडो पैरासिटिक्स फॉर्म में है तो इसमें कुछ पैरासिटिक अडेप्टेशन होता है, तो पैरासिटिक अडेप्टेशन में जैसे कि सबसे पहले लॉस ऑफ ऑल नेसेसरी सेंस अननेसेसरी सेंस ऑर्गेन्स, तो यहाँ पे अननेसेसरी सेंस ऑर्गेन्स होता नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें नहीं होता है, और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज का काफ़ी डेवलप होता है, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज, और इसमें एडहेसिव ऑर्गेन्स होना चाहिए, जैसे सकर सीलिया और उधर हुक्स हम लोग जैसे पढ़ रहे थे, ये कुछ पैरासिटिक अडेप्टेशन होता है। ठीक है, अब इसमें ऐसा क्यों है भाई कि इसमें बहुत सारे ऑर्गेन्स नहीं है, तो इनका पूरा जो एम्फेसिस होता है वो एनाटॉमिकल फीचर्स में, स्पेशली अपने रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, किसको बढ़ाने के लिए बच्चों, तो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल्स को बढ़ाने के लिए इनमें बहुत सारे एडाप्टेशन देखा जाता है। ठीक है, तो इनका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बाकी ऑर्गेनिज्म के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है, क्योंकि अगर इनको अपना लाइफ साइकिल कंटिन्यू करना है तो ऐसा होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, अच्छा आगे के और जो फीचर्स उनको एक एक करके देख लेते हैं। देखो अगर मान लो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है नहीं, तो अब ये क्या करेंगे, ये सीधे के सीधे अपने जनरल बॉडी सरफेस से क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यहाँ पर सोक अपन द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सर्फेस, तो इनके बॉडी सर्फेस से ही क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक्सक्रीशंस के लिए यहाँ पे इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, मतलब ऑर्गेन कह सकते हो, एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स होता है, और उस एक्सक्रेटरी ऑर्गेन्स का काम होता है एक्सक्रीशंस में, जिनमें कि मेन जो सेल्स इन्वॉल्व होता है वो है फ्लेम सेल्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं सेलेनोसाइट्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटो नेफ्रिडिया। तो इनको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना बच्चों, ये आपका 3 स्टार पॉइंट है ये। ठीक है बच्चों, फ्लेम सेल्स या इसी को सेलेनोसाइट या इसको बोलते हैं प्रोटो नेफ्रिडिया किसके पार्ट है, तो ये तुम्हारा ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशंस के पार्ट है, तो स्पेशली एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स के फॉर्म में इनके पास यही स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, आगे और अगर हम देखते हैं फीचर्स में, तो
मतलब एक्सक्रीशन के अलावा देखो, इसके पास ना तो कोई रिस्पायरेटरी सिस्टम्स होता है, रिस्पायरेटरी नहीं होता, वो भी जनरल बॉडी सरफेस से ले लेने ऑक्सीजन या तो एनारोबिक कंडीशंस में रहना पसंद करते हैं, ठीक है ना। इनमें सिलोम होता नहीं है, अब्स कंप्लीटली एब्सेंट होता है, और इसमें जो एरिया है किसके बीच में, मतलब जो सिलोम वाला पार्ट था, दैट मीन्स द एरिया इन बिटवीन द आपका बॉडी सरफेस एंड गट वाल, तो गट वाल भी नहीं है इसमें। तो इसमें जो सिलोम होता है, ठीक है, सिलोम जो होता है, इनमें जो सिलोम होता है वो होता ही नहीं है, ठीक है। सिलोम कंप्लीटली क्या होता है, इसमें अब्सेंट होता है, और उस जगह पे क्या होता है, कुछ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू भरा रहता है, और उस स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज का नाम है पेरेन्काइमेटस सेल्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पेरेन्काइमेटस सेल्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। पेरेन्काइमेटस सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू जिसको बोला जाता है पेरेन्काइमेटस टिश्यूज हम लोग कहते हैं, भरा होता है, और इसी पेरेन्काइमेटस टिश्यूज के हेल्प से क्या होता है इनमें बच्चों, तो इनमें कह सकते हो कि जो सर्कुलेशंस का काम है वो इसी पार्ट से हो जाता है, ठीक है बच्चों। अदर फीचर में अगर हम देखते हैं तो इनका रिप्रोडक्शंस की बात करें, ठीक है ना, रिप्रोडक्शंस की बात करें, तो यहाँ पे सेक्सेस जो होता है वो सेपरेटेड नहीं होता है, और रिप्रोडक्शंस यहाँ पे दोनों तरीके से हो सकता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, मीन दोनों तरीके से हो सकता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। एनीवे, पहले ही बताया था कि पैरासाइटिक एडेप्टेशन के फॉर्म पे अगर हम देखते हैं तो पैरासाइटिक एडेप्टेशन के हिसाब से इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है कंपेयर टू द अदर क्या होता है, बोला बच्चों कि काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है, ठीक है। तो ठीक है, अब पैरासाइटिक एडेप्टेशन में यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होने का चांसेस क्यों इतना ज़्यादा इनहांस करके रखा है, क्योंकि देखो भाई यहाँ पे इनके लाइफ अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए एक रिप्रोडक्शन ही एक माध्यम है, जिसके वजह से तो वो हर कोशिश में ये बढ़ाना चाहते हैं। तो इसमें देखो क्या क्या कुछ कुछ मिलेगा, जैसे फर्टिलाइजेशन स्प्लेड एलिमेंट्स के केस में होता है इंटरनल, तो जितने इंडो पैरासाइट्स वगैरह हैं या पैरासाइटिक्स फॉर्म हैं उनमें जनरली फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, और इसमें बहुत सारे अदर मेनी लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होता है। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल और डेवलपमेंटल स्टेज में इनडायरेक्टली होता है, और लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इंश्योर हो जाता है। दूसरा एक और चीज़ जो यहाँ पे मिसिंग है, अगर हम सेक्सेस की बात करें तो जनरली क्या होता है, पैरासिटिक फॉर्म में यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बाई सेक्सुअल होते हैं, मतलब दैट मीन्स हर्मापोडाइट्स होते हैं, ठीक है, हर्मापोडाइट्स होते हैं तुम्हारे इसमें, ठीक है बच्चों। लार्वा का नाम पर्टिकुलरली यहाँ तो कुछ लिखा नहीं है, लेकिन आगे हम लोग कुछ एग्जांपल्स हैं जिनका हम लाइफ साइकिल अगर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग का लार्वा का नाम भी मिल जाएगा, तो वहाँ से हम लोग लार्वा देख सकते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो चलो एक एक करके देखते हैं हम लोग आगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें प्लेडी हेलमेंट्स को फर्दर हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है, फर्दर क्लासीफाई कर देते हैं। तो हालांकि हमें क्लासेस याद है तो नहीं करना है, लेकिन फिर भी ऐसे ही यहाँ पे तीन क्लासेस दे रखा है, अगर याद कर सको तो अच्छी बात है, ना कर सको तब भी अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई आपका लॉस नहीं होने वाला है। फिर भी देखते जाते हैं, क्लास वन है इसमें टर्बुलेरिया, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है इसको ध्यान में रख लेना बच्चों, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, इनका मोड ऑफ लाइफ और डाइजेस्टिव ट्रैक के बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफाई करता है। टर्बेरिया ये कैसा होता है, इसका लाइफ साइकिल कैसा होता है, फ्री लिविंग होता है। तो पूरे प्लेडीहेलमिंथ्स में ये एकमात्र ऐसा क्लास है जिसके मेंबर क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, और इसमें एक ही एग्जांपल याद रखना, प्लेनेरिया, या इसको बोला जाता है डिवेशिया, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये इकलौता मतलब इस अर्थ पे नहीं, बट हमारे एनसीईआरटी का इकलौता एग्जाम्पल है जो कि कैसा है, फ्री लिविंग फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म्स होता है तुम्हारा। और इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हाई रिजेनरेशन कैपेसिटी होता है तुम्हारा, रिजनरेशन कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब इस प्लेन एरिया को अगर हम क्या करें, इस तरह से दो टुकड़े कर दें, तो एक एक पीस क्या होता है, एक एक इंडिविजुअल प्लेन एरिया में डेवलप हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। एक और पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, जो डुगेशिया है मतलब दैट मीन्स प्लेन एरिया, उसका बॉडी कवर होता है सीलिया से, एक बार याद रखना इसको भी, तो इसका बॉडी माइन्यूट से सीलिया से ये कवर्ड होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। और ये डायग्राम है आपका बच्चों, प्लेन एरिया का ही, डिबेशिया का ही डायग्राम है इसमें, यहाँ पे डायग्राम में एनसीटी में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ आई है, ये इसका फेरिंग्स है, माउथ है, और यहीं आसपास में कहीं पे एनएस वगैरह प्रेजेंट
होता है तुम्हारा, तो इसको देख सकते हो तुम्हारा। अच्छा, इसी को सबसे पहले नहीं पढ़ा था सिफिलाइजेशन, तो इसमें सबसे पहला हेड लाइक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हुआ है, तो ये शो करता है इसके हेड को, लेकिन यहाँ हेड में माउथ और ये सब नहीं होगा, सिर्फ क्या है आई, और आई भी ये क्या है आई, ऐसा नहीं कि फोटो रिसेप्टर है, ये फोटो सेंसिटिव ऑर्गन है, ध्यान रखना है। कैसा है, दैट्स नॉट ए फोटो सेंस नॉट ए फोटो रिसेप्टर, इट इज अ फोटो सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो क्लास है आपका वह है क्लास 2 है, जो है ये है टर्मेटोडा, इसको फ्लूकवॉर्म्स कहा जाता है कॉमनली, और ये इक्टोपैरासाइट होता है या एंडोपैरासाइट भी हो सकता है। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी में एक ही एग्जांपल दिया है, फेसियोला लीवर फ्लू कहते हैं। बट बच्चों मेरा ये सजेशन है कि इन एग्जांपल्स को भी आप जरूर एंड जरूर याद करिए, सिस्टोशोमा ब्लड फ्लू जिसको बोला जाता है, सिस्टोशोमा। ठीक है, सिस्टोशोमा में खास बात क्या है कि जितने भी प्लेटी एलिमेंट्स के मेंबर हैं वो सबके सब क्या होते हैं, वो होते हैं बाइसेक्सुअल, बट ये एक लौता मेंबर है जो कैसा है, यूनिसेक्सुअल होता है। ठीक है बच्चों, और इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक का मतलब कि अगर मान लो किसी पैरासाइट्स के फॉर्म में अगर दो होस्ट में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो उस तरह के पैरासाइट्स को डाइजेनेटिक पैरासाइट्स कहा जाता है। तो इसमें प्राइमरी होस्ट मैन है और सेकेंडरी या अल्टरनेट होस्ट जो होता है वो होता है स्नेल्स होता है, बस इतना याद करना, अब इसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, एक पॉइंट हो गया, यूनिसेक्सुअल होता है, इसका लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक होता है, प्राइमरी होस्ट मैन है, सेकेंडरी होस्ट इसमें स्नेल्स होता है, दैट्स एनफ। ठीक है, अच्छा, और चाहो तो एक चीज़ और याद कर सकते हो कि ये मिलेगा कहाँ पे, तो ये ब्लड में प्रेजेंट होता है, ब्लड में प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इसमें एक मेंबर है फेसियोला, पूरा नाम है फेसियोला हेपेटिका, या हम लोग इसको बोलते हैं लीवर फ्लूक बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, लीवर फ्लूक। ठीक है, और ये बेसिकली जो है ये सीप लीवर फ्लूक है। ठीक है, सीप लीवर फ्लूक है, इसमें भी कुछ पॉइंट्स याद रखना है, जैसे कि इसका लाइफ साइकिल भी क्या होता है, डाइजेनेटिक होता है, डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट, प्राइमरी होस्ट इसमें होता है स्नेल्स, और ठीक है ना, सॉरी प्राइमरी होस्ट इसमें सीप है और जो सेकेंडरी होस्ट है वो है आपका स्नेल्स होता है, सीप और स्नेल्स, ध्यान रखना, वहाँ पे पहले क्या था, मैन और स्नेल्स था, यहाँ पे सीप और स्नेल्स है तुम्हारा बच्चों। ठीक है, एनीवे यहाँ पे बहुत सारे लाइफ साइकिल्स दे रखे हैं, तो थोड़ा सा लाइफ साइकिल्स में कुछ स्पेशली पैरासाइट्स को हमें याद रखना है, तो ध्यान रखना बच्चों, इसमें एक है मेरा सीडियम लार्वा जो कि फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, ये तुम्हारा सीप दैट मीन्स प्राइमरी होस्ट के फीकल मैटर के थ्रू निकलता है और ये ग्राउंड पे आता है, बारिश के पानी के थ्रू ये स्विम करके ग्रासेस वगैरह पे जाने चला जाता है। अब वहाँ पे ग्रासेस से ये चला जाता है स्नेल्स के बॉडी में और वहाँ पे ये स्पोरोसिस्ट फिर देन रेडिया देन सरसीरिया लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद ये ग्रासेस के लीप पे ही मेटा सरसीरिया लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है और मेटा सरसीरिया से ये फिर ये सीप या गोट के बॉडी में चला जाता है जब वो घास खाते हैं तो उसमें। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, तो इसमें जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो है आपका मेटा सरसीरिया लार्वा, ध्यान रखना इन्फेक्टिव स्टेज। ठीक है, इन्फेक्टिव स्टेज ये डायग्राम है एनसीईआरटी में फेसियोला हेपेटिका का डायग्राम दिया हुआ बच्चों। ठीक है, आई बात समझ में, यहाँ पे ये सकर्स दिख रहा है और ये सब हुक्स वगैरह कुछ कुछ स्ट्रक्चर है, हालांकि इनमें हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे हैं। एनीवे यहाँ पे लेकिन एक लाइन का, मेरा सीडियम इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ इंटरमीडिएट। देखो, जब भी इन्फेक्टिव स्टेज तुमसे पूछे तो इस बात का ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम किसको है, तो सिप फ्लूकवाम है, सिप को प्रॉब्लम है, तो मतलब सिप को जो भी इन्फेक्शन कॉज कर रहा वही इन्फेक्टिव स्टेज कहलाएगा। तो इन्फेक्टिव स्टेज यहाँ पे है मेरा सीडियम लार्वा, ध्यान में रखना प्राइमरी होस्ट के लिए, ठीक है, सेकेंडरी होस्ट का याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आते हैं इसमें जो तीसरा क्लास है, थर्ड क्लास है, वो है सिस्टोडा। इस क्लास का नाम मैं सजेस्ट करूंगा बच्चों की, याद रखना ये इंडोपैरासाइट्स होता है और ये गट वगैरह में प्रेजेंट होता है। इस ग्रुप के मेंबर का सबसे खास बात है कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम्स
अब्सेंट होता है। बॉडी यहाँ पे क्या होता है, सेगमेंटेड फॉर्म में होता है, लेकिन ये कौन सा सेगमेंटेशन बोला था पहले बच्चों, ये स्यूडो मेटामेराइजेशन है। यहाँ पे सेगमेंट तो दिख रहे हैं लेकिन ये सारे सेगमेंट ट्रू सेगमेंट नहीं है, क्योंकि इसके नेक रीजन से ये ओरिजिन हो गए हैं। यहाँ पे नेक रीजन्स होता है तुम्हारा, ठीक है। इसका बॉडी जो है तीन पार्ट में बटा रहता है, किसका हम लोग पढ़ रहे हैं, टीनिया सोलियम का, ठीक है। बट हालांकि यहाँ पे और भी जितने एग्जाम्पल उनमें भी काम चल जाएगा, बट हमें यहाँ पे स्पेशली फोकस करना है टीनिया सोलियम, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ। तो टीनिया सोलियम को हो या सिस्टोडा के मेंबर जो है, या टेपॉर्म्स के जो मेंबर हैं, उनका बॉडी स्कॉलेक्स, नेक और स्ट्रोबिला में बटा हुआ रहता है। तो इस पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पे हेड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं हम लोग स्कॉलेक्स। इस स्कॉलेक्स में इस तरह से चार सकर प्रेजेंट होता है, एक दो तीन और एक पीछे भी चार, और इस तरह से दो रो में हुक्स लगा हुआ रहता है। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है ये है नेक, और नेक का होता है काफी हाईली रिजेनरेटिव होता है, और इस नेक से इस तरह से बहुत सारे स्ट्रोबिला निकले हुए हैं। तो ये डायग्राम यहाँ से यहाँ तक सिर्फ ये वाला पार्ट है, और बाकी ये दिख रहा है तुम्हारा स्ट्रोबिला का, ठीक है। ये सब के सब क्या है, ये जो दिख रहा है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लास्ट तक, ये सब के सब क्या है, ये स्ट्रोबिला है। तो इस वजह से हम लोगों ने एक स्टम्प बनाया था स्ट्रोबिलाइजेशंस। तो जो फॉल्स सेगमेंटेशंस था उसको हम लोग स्ट्रोबिलाइजेशंस कह रहे थे। इसमें इंडिविजुअल सेगमेंट्स को बोला जाता है ग्रे, सॉरी इसको बोला जाता है प्रो ग्लोटिड, ठीक है ना। क्या ना स्पेलिंग देख लो यहाँ पे क्या है बच्चों, PROGLOTIDS, प्रोग्लोटिड्स है। क्या है ये, प्रोग्लोटिड्स, ठीक है ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे जो हुक्स वर्ड मैंने बोला था, तो यहाँ पे रोस्टेलम्स ये जो टर्म्स है, इसका जो पिक पॉइंट है उसको रोस्टेलम बोलते हैं, उसके नीचे ये हुक्स होता है, और यहाँ पे हुक्स का जो नंबर होता है 28 से 32 पॉइंटेड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एम्स में क्वेश्चन आ चुका है काइटिनस हुक्स। अब तो एम्स होगा नहीं, तो एम्स का भी क्वेश्चन इसी में लपेट जाएगा, नीट वाले में लपेट जाएगा। तो ये तो रहा किसी एडल्ट टेपोहॉर्म्स का स्ट्रक्चर। फिर से सुनो, एडल्ट टेपोहॉर्म्स के स्ट्रक्चर में बॉडी तीन पार्ट में डिफरेंशिएटेड होता है, स्कॉलेक्स, नेक और स्ट्रोबिला में डिफरेंशिएटेड होता है। इसके टर्मिनल को रोस्टेला कहते हैं। यहाँ पे 32 से 28 हुक्स होता है, ये चार सकर्स प्रेजेंट होता है नेक रीजन, और नेक काफी जब बोला हम लोगों ने रीजनरेटिव, मतलब इसी से ये जो सेगमेंट्स है वो निकलता रहता है तुम्हारा इसमें, और एक सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं, प्रोग्लोटिड्स कहते हैं, ठीक है बच्चों, प्रोग्लोटिड्स कहा जाता है। तो स्ट्रोबिला में टोटल नंबर ऑफ प्रोग्लोटिड्स जो होता है उसको बोला जाता है, वो उसका नंबर जो होता है ये 800 से लेके कितना करीब करीब 1000 प्रोग्लोटिड्स हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा इस प्रोग्लोटिड्स का जो सबसे टर्मिनल, मतलब ये वाला पोर्शन लेके चलते हैं, सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है जो यहाँ पे लास्ट में है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स। ये लिखा मैंने ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स, इससे पहले इमेच्योर मेच्योर प्रोग्लोटिड्स। तो नेक के पास जो होता है वो इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स, एंड देन उसके बाद मेच्योर, एंड देन सबसे लास्ट वाला जो प्रोग्लोटिड्स होता है ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड। ग्रेविड्स का मतलब होता है एडवांस स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसीज। तो यहाँ पे जो भी सेगमेंट्स दिख रहे हैं, मतलब जो प्रोग्लोटिड दिख रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ एग प्रेजेंट होता है, और यही एग क्या करता है, अपने मेन बॉडी पार्ट से जब टूट के अलग हो जाता है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को एपोलिसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, एपोलिसिस कहा जाता है, ठीक है, एपोलिसिस हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो एपोलिसिस के थ्रू जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स है वो टूट के मेन बॉडी से अलग होता है, और फीकल मैटर के थ्रू ग्राउंड पे चला आता है। ग्राउंड पे आने के बाद, ठीक है, ग्राउंड पे आने के बाद ये फीकल मैटर्स को, ठीक है, इस फीकल मैटर्स को कोई पिग इसको इंजेस्ट कर जाएगा, मतलब खा जाएगा उसमें, ठीक है बच्चों। अच्छा अब आगे बढ़े उससे पहले यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग जान लेते हैं। देखो ये स्टेबलाइजेशन पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, स्टेबलाइजेशन पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, रोस्टेलम पहले बता चुका हूँ मैं, ठीक है। अच्छा ये मैच्योर है ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स भी डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ध्यान रखना, यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस दोनों पॉसिबिलिटीज होता है, ठीक है ना। तो क्रॉस और सेल कुछ भी फर्टिलाइजेशन करना चाहे तो ये कर सकता है तुम्हारा इसमें, ठीक है।
अब एपोलिसिस के बाद अब ये कहाँ चला गया, ग्राउंड पे चला गया। अब ग्राउंड पे जो सेकेंडरी होस्ट होता है पिग, वो इसको इंजेस्ट कर लेगा, ठीक है। और उसी के से पहले जो फीकल मैटर होता है उसमें इनमें मेटामॉर्फोसिस चल रहा होता है, जिसमें सबसे पहले ये नंबर वन है, बच्चों ध्यान रखना है, ये नंबर वन है। ये जो एग होता है हैच करके उसमें से एक लार्वा निकलता है, उस लार्वल स्टेज को बोला जाता है हेक्सकेंट लार्वा, क्योंकि इसमें 6 काइटिनस हुक्स वगैरह प्रेजेंट होता है, तो हेक्सकेंट। देन उसके बाद ये चेंज होता है किसमें, ऑन्कोस्पियर लार्वा में, तो ऑन्कोस्पियर इन्फेक्टिव स्टेज हो गया, मतलब अब इसको मतलब जो पिग होता है वो इंजेस्ट कर लेता, खा लेता है। अब पिग के बॉडी में जाके उसके ब्लड सर्कुलेशन से होता हुआ इंटेस्टाइन्स में जाता है, इंटेस्टाइन में जाने के बाद, सॉरी इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये सिस्टिसर्कस लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। एक ब्लडर वर्म भी आता है, बट हम लोग सीधे सिस्टिसर्कस को ध्यान रखना, सिस्टिसर्कस लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। और ये सिस्टिसर्कस लार्वा ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू होके जाके इस पिग के मसल्स में जाके रेसिडेंट ले लेता है और वहाँ पे रहने लगता है। तो उस मसल्स को मतलब पिग के मीट को, दैट मीन्स पॉर्क को, अब हम लोग क्या बोलते हैं, मेजली पॉर्क कहते हैं बच्चों। तो ध्यान में रखना है, मैंने अलग से लिख रखा है, मेजली पॉर्क कहते हैं, ठीक है, मेजली पॉर्क है। दैट मीन्स अब उसका जो मीट है पिग का वो इन्फेक्टेड है। अगर इसको अगर कोई हेल्दी ह्यूमंस खाता है, ठीक है ना, तो अब ये इन्फेक्शन ह्यूमंस को हो जाएगा। अब वो कच्चा मीट तो कोई खाता नहीं है, लेकिन अगर हम कहें इन प्रॉपर कुक्ड पॉर्क को अगर कोई खाता है, इस मेजली पॉर्क को, तो इन्फेक्शन अब उस ह्यूमंस में भी चला जाएगा, हेल्दी ह्यूमंस में चला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था लाइफ साइकिल्स था तुम्हारा, इसमें किसका, टीनिया सोलियम का, इसमें पॉर्क है, ठीक है ना, पॉर्क टेपवॉर्म्स कहा जाता है तुम्हारा, ठीक है, ध्यान में रखना। तो सेकेंडरी होस्ट इंटरमीडिएट होस्ट के फॉर्म में कौन होता है, इसमें पिक होता है, तो ट्रैकोपॉम्स कहा जाता है। सेम लाइफ साइकिल एक बीफ में चलता है, टीनिया सेगाटा, ये ध्यान रखना, टीनिया सोलियम है और ये टीनिया सेगेटा है। तो इसमें बीफ इसमें हो जाता है सेकेंडरी होस्ट, कोई भी कैटल हो गया उसमें सेकेंडरी होस्ट होता है, और लाइफ साइकिल अदरवाइज दोनों में सेम होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें डिजीज कौन सा होता है, तो टीनिया सोलियम के वजह से दो डिजीज होता है बच्चों, एक होता है टीनिएसिस और एक होता है सिस्टोसर्कोसिस। यहाँ पे लिखा देखो, सिस्टोसर्कोसिस। तो इन दोनों डिजीज में, टीनिएसिस और सिस्टोसर्कोसिस में, अगर एडल्ट कॉज करता है तो उसको बोलते हैं टीनियोसिस, और अगर सिस्टिसर्कस लार्वा कॉज करता है तो सिस्टिसर्कोसिस कहते हैं। सिस्टिसर्कोसिस जो होता है इन कंपेयर टू द इसके दोनों के ज्यादा डेंजरस होता है, समझे, ये ज्यादा खतरनाक होता है बच्चों, तो ये सिस्टिसर्कोसिस होता है, ठीक है। हाँ तो बच्चों, अब आगे बढ़ने से पहले, नेक्स्ट फाइलम पढ़ने से पहले, फिर वही आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस अपने यूट्यूब चैनल्स पे हमेशा बायोलॉजी से रिलेटेड या नीट से रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, ठीक है ना। आई नीड मोर सब्सक्रिप्शंस गाइज फ्रॉम योर साइड, तो आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। हाँ तो बच्चों, अब आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट फाइलम है हमारा, ये पांचवा नंबर फाइलम है, ठीक है। इससे पहले हम लोग चार फाइलम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पांचवा नंबर फाइलम है एस्की हेलमेंट्स, ठीक है बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एस्की हेलमेंट्स। तो इसमें मैंने क्या किया है, एनसीईआरटी वाले जो पॉइंट है उनको कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे, और सारे पॉइंट्स को अलग अलग कर दिया है। तो ये सारे एनसीईआरटी के पॉइंट है इसमें, ठीक है। इसी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो जो मिसिंग पॉइंट है उसमें मैंने डाल रखा है, जो इंपॉर्टेंट था और एनसीईआरटी में नहीं मेंशन उसको मैंने, जैसे, ठीक है। एनीवे, जैसा कि ब्लडी हेलमेंट के केस में जब हम लोग उसका क्रॉस सेक्शंस करते थे तो उसका जो बॉडी था वो फ्लैट होता था, बट यहाँ पे कैसा होता है, ऑन क्रॉस सेक्शन पे बॉडी कैसा होता है, राउंड शेप होता है। तो इसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, राउंड वार्म कहा जाता है, सर्कुलर होता है, इसलिए हम उसको क्या बोले हैं, राउंड वार्म्स कहते हैं, ठीक है ना। फ्री लिविंग होता है, एक्वेटिक भी होता है, टेरिस्टेरियल भी होता है, और ये पैरासाइट होता है प्लांट और एनिमल दोनों में। देखो एनिमल का तो एग्जाम्पल यहाँ बहुत सारा मिल जाएगा बच्चों, प्लांट का एग्जाम्पल्स एक दिया हुआ है तो आपके 12th के एनसीईआरटी में बायोटेक्नोलॉजी में, मेलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया, तो वहां से देख लेना तुम लोग, वो भी है। राउंड वन में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो होता है, ठीक है ना, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स ये जो है ये फर्स्ट है, ठीक है ना, दैट वन इज द फर्स्ट
मेंबर ऑफ किंगडम एनिमिलिया जिसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो गया है। सिमेट्रीज का होता है बाइलेटरल सिमेट्रिकल्स होता है, ठीक है ना। और ये टिप्लोब्लास्टी होता है, सीडोसिलोमेट कंडीशन होता है, मतलब देखो यहाँ पे टिप्लोब्लास्टिक है, तीनों जम लेयर है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल्स है, ठीक है। और यहाँ पे सिलोम जो होता है वो फॉल्स सिलोम होता है, सीडोसिलोम्स होता है, ठीक है ना। सीडोसिलोम्स में एक चीज याद रखना, ब्लास्टोसिल्स होता है, परसिस्ट कर जाता है जैसे सिलोम्स के फॉर्म में, तो हम इसको बोलते हैं सीडोसिलोम्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। सिम्स एजियल एपिडर्मिस, तो इसका जो एपिडर्मिस होता है मतलब दैट मींस आउटर लेयर जो होता है वो होता है सिंसाइजल। सिंसाइजल्स का मीनिंग पहले बताया होगा, अच्छा बताया नहीं होगा मैंने एक्चुअली में। सिंसाइजल्स का मतलब जो होता है, ठीक है, वो होता है आपका मल्टी सेलुलर, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जो इपिडर्मिस होता है वो कैसा होता है, ये आपका मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर भी कैसे हुआ है, बाय द फ्यूजन ऑफ आपके सेल्स की फ्यूजन के वजह से बनता है, ठीक है। एनीवे उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट जो इसमें फीचर है, करेक्टरी फीचर, एलिमेंट्री कैनाल्स। एलिमेंट्री कैनाल इसमें कैसा होता है, कंप्लीट मतलब माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। मतलब इसमें जो बॉडी प्लांट्स कहेंगे वो कैसा हो जाएगा, ट्यूबिंग ट्यूब बॉडी प्लांट्स होता है। और इसमें जो फेरिंग्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है और मस्कुलर होता है, तो मस्कुलर और हाइली फेरेंगल्स इसमें होता है, ठीक है। अच्छा मसल्स की बात करें तो पहली बार इसमें मसल्स डेवलप हुआ था, मतलब हुआ है। और मसल्स इसमें सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होता है, सर्कुलर मसल्स नहीं होता है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा देखो यहाँ पे रिस्पायरेटरी सिस्टम्स अब्सेंट होता है, ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम अब्सेंट होता है, ठीक है। इस पॉइंट्स को मार्क करते चले जाते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम अब्सेंट, दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है वो जनरल बॉडी सरफेस से हो जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम्स भी यहाँ पे अब्सेंट होता है, बट इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है वो सारा का सारा इसमें सीरोसोलो में जो फ्लूड होता है वही कर देता है। एक्सक्रीशंस के लिए यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम्स हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स जो है यहाँ पे है होता है फॉर रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स। और ये सारा का सारा वेस्ट मटेरियल यहाँ पे थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर होता है उसके थ्रू निकल जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो सैप होता है वो एचएफ होता है। और एक्सक्रीशंस के लिए यहाँ पे एक स्पेशल सेल होता है जिसको बोलते हैं रेनेट सेल्स, ठीक है बच्चों। तो एक चीज़ खास करके ध्यान रखना, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस इस स्केल में से आए हैं उसके एग्जांपल्स हैं राउंड वर्म एस्केरिस, उसी को क्वेश्चंस के फॉर्म में दे रखा है तुम्हारा। इसमें स्केरिस के फॉर्म में जो है वो इसके फॉर्म में क्वेश्चन बोला जाता है, तो सुन लेना इसमें। देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके बॉडी में प्रेजेंट होता है और एक्सक्रीशंस के लिए एक एक्सक्रीटरी पोर होता है, एचएफ स्ट्रक्चर होता है, और जो सेल्स है उसको बोला जाता है रेनेट सेल्स बोला जाता है, RENETE, रेनेट सेल्स कहते हैं। सेक्सेस यहाँ पे सेपरेटेड होता है, मतलब मेल एंड फीमेल अलग अलग होता है, दैट इज ये यूनि सेक्शुअल, मेल एंड फीमेल डिस्टिंक्ट होता है, ऑफन मेल इज लॉन्गर देन द फीमेल इज लॉन्गर देन द मेल। इस बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म्स के बारे में। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है, पैरासाइटिक फॉर्म है, और डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट होता है, मतलब यहाँ पे कोई लार्वल स्टेज नहीं होता है, और मे भी हो सकता है कि इनडायरेक्ट हो तो लार्वल स्टेज हो भी सकता है, तो दोनों सिचुएशन यहाँ पे मिलता है। एनसीआरटी में तीन एग्जांपल दिया हुआ है, एक है स्केरिस, दूसरा है विचलेरिया, तीसरा है एनसाइक्लोस्टोमा, हुक वर्म्स, फिलेरिया वर्म्स और राउंड वर्म्स, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, स्केरिस के बारे में पढ़ना है, और विचलेरिया जो आपके ट्वेल्थ के सिलेबस में एलिफेंटेसिस करके दिया हो वहाँ पे इसको पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ, आपको इसको ट्वेल्थ में आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है वो एनसीआरटी का दिया हुआ है, और ये स्केरिस राउंडवर्म्स का पूरा नाम है स्केरिस लिम्फोक्वाइक्स पूरा नाम होता है तुम्हारा। इसमें ये मेल है और इसमें ये फीमेल है, तो यहाँ पे कुछ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है ध्यान रखना मेल एंड फीमेल को अलग अलग करने के लिए। तो दैट मीन्स जो राउंड वर्म है वो क्या कर सकता है, इसको बोला जाता है सेक्सुअल डायमॉर्फिजम्स को शो करता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिजम्स को शो करता है। तो उसमें पहला जो पॉइंट है, इसमें जो फीमेल है ठीक है वो मेल से क्या होता है, लॉन्गर होता है, एक फीचर। दूसरा यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेल है ठीक है उसका एंड जो होता है वो कैसा होता है, कर्व्ड होता है तुम्हारा, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है, कर्व मतलब ये नहीं, ये बड़ा सा कर्व, ये छोटा सा दिख रहा है, ये कर्व्ड होता है। तीसरा जो पॉइंट है वो भी मेल के केस में, यहाँ पे टू पेयर
पाइनियल सिटी प्रेजेंट होता है, टू पेयर पाइनियल सिटीज आगे लिखा हुआ मैं अंडरलाइन कर दूंगा, ठीक है। ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है, ये सारे पॉइंट्स जो है यहाँ पे लिखे हैं बच्चों, देख सकते हो, ठीक है, मेल एंड फीमेल, ठीक है ना। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा बच्चों इधर ही कहीं पे होना चाहिए, या दैट वंस। मेल स्कैरिस, स्कैरिस में वन मे बी फाइंड दैट द पोस्टर्स एंड पोस्टेरियर एंड इज कर्व्ड होता है, वाइल्ड फीमेल में पोस्टेरियर एंड स्ट्रेट होता है, ठीक है। अच्छा, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ये वर्ड देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके अलावा मेल हैज टू पाइनियल सिटी, सीटी कीटी जो भी बोलना बोल देना, स्पिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, और फीमेल में अब्सेंट होता है। फीमेल का साइज थोड़ा रिटेलेबली क्या होता है, मेल से लॉन्ग होता है। तो ये सेक्सुअल डायमॉर्फिजम्स वाला पॉइंट्स है तुम्हारा इसमें, ठीक है बच्चों। आगे चलो, कुछ पॉइंट यहाँ पे बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, उसको याद कर लो। हालांकि एनसीईआरटी में सारी चीज़ें नहीं दी, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसे याद रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे सेंसरी स्ट्रक्चर, इसमें एक है एम्फिड और फाजमिट, एम्फिड और फाजमिट, उसी तरह से पेपलीज होता है, ठीक है। ये सारे के सारे जो होते हैं ये लिप्स के आसपास वगैरह कह सकते हो प्रेजेंट हो सकता है, और ये तुम्हारा ऑल्फेक्टो एंड गैस्ट्रो रिसेप्टर्स के तौर पे होते हैं तुम्हारा, ठीक है। गैस्ट्रो रिसेप्टर मतलब फूड को टेस्ट करने के लिए, ऑल्फेक्टो स्मेल्स करने के लिए होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो जैसे एक पैरासिटिक नाइट्रेशन था, अगर मान लो ये इनसाइड है हेलमेंटिक कैनाल्स का, तो एस्केरियस के पास डाइजेस्टिव सिस्टम से बचने के लिए यहाँ पे इसका जो बॉडी वाल होता है क्यूटिकल से कोटेड होता है, जो कि एंटीएंजाइमिक होता है तुम्हारा, और थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल ऑन द सरफेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंटीएंजाइमिक प्लस इसमें वाटर प्रूफ सरफेस होने की वजह से इस पर एंजाइम्स का कोई काम नहीं करता है। लाइफ स्पेंस जो है एस्केरियस का 9 to 12 month होता है ह्यूमंस के, किसी आदमी के पेट के अंदर। सीडोसिलोम होता है ऑलरेडी पता है, रेनेड सेल्स भी पता है ऑलरेडी, एमोनियोसिटी मतलब एमोनिया इसमें एक्सिटी मटेरियल और यूरोटेलिक भी हो सकता है, ठीक है। ये सब सब चीज़ें पता है, एक्सिटी पोर के बारे में भी पता है, पहले हम लोगों ने पढ़ा है, तो यहाँ पे भी स्कैरिस में कह दे रखा है। तो जैसा कि मैं पहले ही बच्चों बोल रहा था कि आप लोगों को कि इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो स्कैरिस को पॉइंट आउट करके पूछते हैं, ठीक है। तो आपको भी उसी तरह से स्केरिस के रिस्पेक्ट में ही आपको भी पढ़ना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे लिखा है अभी थोड़ी देर पहले बोला, एम्फिड जो हो गया, ऑल्फेक्टो रिसेप्टर हो गया, या कैमो रिसेप्टर या गैस्ट्रो रिसेप्टर, ठीक है ना। एपिडर्मिस इनसाइजल होता है मतलब मल्टी सेलुलर होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बता ही दिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे एक ही है, और इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और जनरली क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि यूनिसेक्सुअल है तो क्रॉस ही होगा, ठीक है। एनीवे, और जो फर्टिलाइज्ड एग है ये एक सेल के अंदर कोटेड हो जाता है, जिससे ये एग का फॉर्मेशन करता है, और ये एग होता है मेमिलिनेटेड एग। मेमिलिनेटेड का मतलब हो गया जैसे मान लो ये एक एग ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे छोटे छोटे इस तरह से ट्यूबरकल निकला हुआ रहता है, तो इस तरह के एग को बोला जाता है मेमिलिनेटेड एग कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो और ये एक ऐसा फर्टिलाइज मतलब इसमें क्या होता है, ये ग्रोथ करके ये लार्वल स्टेज में चेंज हो चुका है, तो ये फर्स्ट लार्वा है जो एग के अंदर है, जब हैचिंग होगा तब ये बाहर निकलेगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आ जाते हैं तुम्हारा और भी कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है लार्वा जो जैसे बोला उसके बारे में। तो यहाँ पे फ्रॉम द मेमिलिनेटेड एग ऑफ एडल्ट 4 juvenile स्टेजेस में प्रेजेंट होता है। जो फर्स्ट स्टेज है ये रबरिटीज फॉर्म्स, सेकेंड स्टेज जो होता है ये आपका ह्यूमन ह्यूमन के फिकल मैटर्स के थ्रू बाहर निकला हुआ जो एग होता है रबरिटीज फॉर्म्स, जब वो हैच करके नेक्स्ट मेटामॉर्फोसिस करके आता है तो वो सेकेंड स्टेज में चेंज हो जाता है। और यहाँ पे ये फर्स्ट मॉल्टिंग हुआ सॉइल में, तब ये बन गया तुम्हारा सेकेंड स्टेज लार्वा, जो कि अभी भी मिट्टी में पड़ा हुआ, और वही कंटामिनेटेड फूड वाटर के थ्रू ह्यूमन में इन्फेक्शन करता है, तो यही क्या हो गया इन्फेक्टिव स्टेज होता है, ठीक है बच्चों। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना कि सेकेंड स्टेज लार्वा जो होता है स्केरिस का वही इन्फेक्टिव स्टेज होता है, विच फॉर्म आफ्टर द फर्स्ट मोल्टिंग, और दैट मोल्टिंग अकर इन द सॉइल्स, ठीक है। अब इसके बाद ये थर्ड एंड फोर्थ स्टेज में चला जाता है। थर्ड एंड फोर्थ स्टेज में लाइफ साइकिल यहाँ पे कुछ इस तरह से चलता रहता है कि अभी क्या हो गया, ये इंजेक्शन के बाद आ गया एलिमेंट्री कैनाल में, और एलिमेंट्री कैनाल में एग हैच करके ये ब्लड में घुस जाता है, और ब्लड के थ्रू ये लंग्स में, लंग्स के थ्रू फिर ये हार्ट में,
हार्ट हार्ट के थ्रू लंग्स में, ठीक है ना, लंग्स में पहुंच जाता है। लंग्स में इसमें थर्ड, सेकेंड और थर्ड मोल्टिंग हो जाता है लंग्स में, तो जिसके वजह से ये थर्ड और फोर्थ स्टेज में। अब फोर्थ स्टेज में लास्ट एक मोल्टिंग होता है, जिसके वजह से ये फिर से वापस किसमें, एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लाइफ साइकिल में एक बार फिर से देखो, जो फर्स्ट स्टेज लार्वा है वो फीकल मैटर के थ्रू एलिमेंट्री कैनाल से बाहर निकला ह्यूमंस के, ठीक है ना, मिट्टी पे पड़ा, मिट्टी में उसमें फर्स्ट मोल्टिंग हो गया, सेकेंड स्टेज में कन्वर्ट हो गया, सेकेंड स्टेज कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ह्यूमन के बॉडी में फिर से वापस आ जाता है और एक हैच करता है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेज लार्वा ब्लड में आता है, ब्लड के हार्ट में, हार्ट से लीवर में, लीवर से हार्ट में, हार्ट में फिर से ये कहाँ जाता है, लंग्स में। मेन जो है लंग्स में, सीधा तुम लंग्स भी कह दोगे तो चलेगा तुम्हारा इसमें। लंग्स में इसमें सेकेंड एंड थर्ड मोल्टिंग होता है, जिससे ये आपका थर्ड से फोर्थ स्टेज में चेंज हो जाता है। अब फोर्थ स्टेज जो है स्पूटम के थ्रू ये माउथ में आता है, और माउथ में अगर ये मान लो कोई बच्चा है तो अगर इस स्पूटम को वापस से स्वेल कर जाए तो ये फिर से एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा, और उसमें लास्ट जो फोर्थ मोल्टिंग होता है, जिसके वजह से ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये फोर्थ में कन्वर्ट हो गया और फोर्थ से ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा। इससे जो बीमारी होता है उस बीमारी का नाम है एस्केरियसिस। क्या बोला है? एस्केरियसिस। और एस्केरियसिस के बारे में भी वही 12th के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में थोड़ा सा दिया हुआ, वहाँ से पढ़ लेना। इसमें सिम्टम्स होता है कॉन्स्टिपेशन होता है, म्यूकस रिलीज होता है, स्टमक पेन हो सकता है, ठीक है ना, फीवर, हेडेक वगैरह, समथिंग, नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह, ये सब कुछ कुछ सिम्टम्स इसमें हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो रहा हम लोगों का दो फाइलम्स के बारे में, कौन कौन सा, प्लेटिहेलमिंथ और एस्केहेलमिंथ्स। तो ये टोटल दो फाइलम हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनिलिडा और ऑर्थोपोडा। ठीक है, तो ये भी थोड़ा बड़े बड़े हैं, तो इनको भी मैं दो ही वीडियो में, एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो दो फाइलम जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जाने से पहले आपसे फिर वही एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और अगर कुछ डाउट वगैरह होता है तो कमेंट कर सकते हैं। आप ये भी जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कितना हेल्पफुल मिल रहा है, ठीक है ना, और आपके प्रिपरेशंस कैसा चल रहा है बच्चों, तो ये जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, स्पेशली जिनको ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।